हेलो गाइस, एक नए वीडियो के साथ हम फिर से वापस आ गए हैं। तो आज हम पिस्ते के छिलके से कुछ डेकोरेट करके बताएंगे कि किस तरीके से इसको हम बिना फेंके इसको अच्छी तरीके से किसी अच्छी तरीके से हम इसको शोपीस में डेकोरेट कर सकते हैं या फिर कुछ भी जो बनाना हो हम उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए पिस्ते के छिलके। तो यहाँ पर हमने इतने सारे पिस्ते के छिलके को इकट्ठा करके रख लिया था और ये मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया और मैं बना के भी आप लोग को दिखा रही हूँ इस वजह से, जिससे कि ये मेरा आइडिया था तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो इस वजह से मैं शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें पिस्ते के छिलके चाहिए और यहाँ पे गत्ता चाहिए। अगर आपके पास ऐसे घर में फालतू गत्ते रखे हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस गत्ते को काट लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको स्क्वायर शेप में काटेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक ही पार्ट चाहिए, तो एक पार्ट को हम साइड रख देंगे और एक पार्ट को हम इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक प्लेन पेपर, कोई भी आपके पास प्लेन पेपर या फिर चार्ट पेपर जो भी है आप उसको इस तरीके से, रंगीन पेपर भी चलेगा आपके पास जो भी है उस तरीके से पेपर आप इसको चिपका सकते हैं, यहाँ पर चिपका लेना है। तो इसको हम फेविकोल की मदद से अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से चिपका लिया है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, ग्लू गन लेना है और पिस्ते के छिलकों को लेना है और इसको चिपकाना शुरू करना है। तो यहाँ पर हम ग्लू गन और फेविकोल की मदद से, दोनों की मदद से करके आपको चिपका करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फेविकोल की मदद से, यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इसको क्या करना है, एक एक लाइन बनानी है और पिस्ते को छिलकों को लेना है और एक एक करके उसको चिपकाते हुए जाना है। तो ऐसा करके ना हम चारों तरफ से अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्लू गन से भी चिपका के दिखाऊंगी और फेविकोल की मदद से भी चिपकाऊंगी। तो एक लाइन मैं ग्लू गन से चिपकाऊंगी और उसके बाद बाकी की तीनों लाइनों को मैं फेविकोल से चिपकाऊंगी, क्योंकि फेविकोल हर इंसान के पास होता है और ग्लू गन बहुत ही कम मिलता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये चिपक गया है और ऐसा करते हुए हम फेविकोल से भी इस तरीके से फेविकोल को लगाएंगे। हमें साइड से लगाना है और इसको प्रॉपर तरीके से हम लगाएंगे अच्छी तरीके से। कोशिश करेंगे फेविकोल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाएं जिससे कि अच्छी तरीके से चिपक जाए। और जब ये प्रॉपर तरीके से बन जाएगा ना, इसको हमें कम से कम एक दिन के लिए प्रॉपर तरीके से रख देना है। आप इन सब चीज़ों से ज्वेलरी बॉक्स और पेन स्टैंड या फिर कुछ भी डिफरेंट तरीके से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अलग लुक आता है और ख़ास करके बच्चों के स्कूल के लिए बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। इसको क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बन के आ जाता है। तो ख़ास करके मैं जैसा बता रही हूँ कि बच्चों के स्कूल के लिए तो बेस्ट है, तो बहुत बढ़िया है। तो ये चीज़ आप बना सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं फेविकोल से भी चिपका के दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरीके से ऐसा करते हुए हम जितने भी राउंड है उसको कंप्लीट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, और बहुत इजी है, बहुत फटाफट बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से चिपका लिया। ऐसा करके हमें फेविकोल की मदद से ही हमें इसके ऊपर भी ऐसे ही चिपकाते हुए चले जाना है फ्रेंड्स। तो इसको हम राउंड करते हुए, ऐसा करते हुए जितने भी पिस्ते के छिलके हैं उसको हम चिपकाते हुए जाएंगे, और बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड्स। कभी भी आप, जब मैं इसको बनाऊंगी तो इसमें आप ज्वेलरी बॉक्स या फिर रबड़ बैंड या फिर सेफ्टी पिन, जो भी छोटी मोटी डिब्बियाँ हैं आप उन सब चीज़ों को रख सकते हो फ्रेंड्स। अच्छा लुक आ जाता है घर में, आप इसको शोपीस की तरह सजा सकते हो। इसमें अगर थोड़ा सा और पतला बनाएंगे तो आप इसमें फ्लावर्स भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा बन के आता है फ्रेंड्स। आई होप मेरा ये आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग अगर पिस्ते खाते हैं तो आप लोग के पास होंगे छिलके, तो आप इस तरीके से बना सकते हो फ्रेंड। फालतू टाइम में ये सब चीज़ें कर सकते हो और अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा मन खुश होता है। मैं जितनी बार देख रही हूँ उतनी बार मेरा मन बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ है इन सब चीज़ों को देख करके। इस तरीके से मैंने जितने भी पिस्ते के छिलके थे ना उसको राउंड करके अच्छी तरीके से इस तरीके से उसके ऊपर चिपकाती गई, और मैंने ग्लू गन और फेविकोल दोनों का यूज़ किया है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया लुक आया है साइड से, कितना मतलब एकदम डिज़ाइन सा बन के गया है।
बहुत अच्छा लुक आया है फ्रेंड्स। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और एक डेकोरेटिव आइटम बन गया है। आप देख सकते हो मैंने इसमें ज्वेलरी भी रख करके आपको दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कोई आइडिया आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।